अब देखते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहली स्लाइड में क्या होता है। अब आज के आगे का प्रोसेस देखेंगे, भी आप पढ़ चुके हैं ठीक है ना, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है ये भी आपको मालूम है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया था, देखा होगा आपने, तो ऐसी चीज में नहीं है। FIR सोचा, ट्रेस किया और देखो तलाशी ली, इन्वेस्टिगेशन की, पकड़ लिया। इस सारे अमल में देखें मैजिस्ट्रेट का जिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जरूरत भी नहीं है मैजिस्ट्रेट की, क्योंकि FIR का केस है, रॉबरी है, बड़ा जुर्म है। फिर पुलिस देखी गई सलमान को मैजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि 24 घंटे जैसे ही आपने अरेस्ट किया उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ता है, उस बंदे को मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना पड़ता है और मैजिस्ट्रेट से क्या लेना पड़ता है, रिमांड। इसमें लफ्ज है रिमांड, बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है रिमांड, रिमांड लेना पड़ता है। रिमांड का मतलब क्या होता है, रिमांड का मतलब होता है मैजिस्ट्रेट साहब, छोटे जज साहब, मुझे ये बंदा दे दें, पुलिस कहती है हम इससे थोड़ा पूछ गछ करना चाहते हैं। मैजिस्ट्रेट कहता है तुमने अभी 24 घंटे अपने पास रखा, क्या किया तुमने, वो कहते पूछ गछ तुमने की लेकिन थोड़ी नाकाफ़ी है, हमें टाइम और दे दें। तो मैजिस्ट्रेट एक दिन दो दिन या ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन का टाइम दे देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता। और मैजिस्ट्रेट मना भी कर सकता है, मैजिस्ट्रेट को पता होता है पुलिस वाले से को मारेंगे पीटेंगे ठीक है ना, और पुलिस को मना है मारना लेकिन पुलिस फिर भी मारती है, आपको पता है पुलिस की तो आदत है, हालांकि जुर्म है ये, पुलिस मार नहीं सकती, बिल्कुल नहीं मार सकती, नहीं मार सकती, पुलिस को उंगली लगाने का हक नहीं है, लेकिन पुलिस फिर भी मारती है, क्या करें, हमारी अदालतों की और पुलिस की ये बीमारी है कि पुलिस वाले जो हैं मारते हैं और अदालत कुछ नहीं कह पाती। तो ये मैजिस्ट्रेट सोचेगा कि दो दिन दे दूँ, एक दिन दे दूँ, या कहेगा कि नहीं इस बंदे को घर जाने दो, पुलिस वाले से कहेगा और जब तुम्हें ज़रूरत पड़े इसको बुला लेना, ये आ जाया करेगा, और उस बंदे को डांट देगा, जो सलमान जब तुम्हें पुलिस वाला बुलाए तो फौरन उसके पास जाना, समझे, वरना तुम्हें बंद कर दिया जाएगा। सलमान कहेगा जी हजूर ठीक है, एक तो ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि पुलिस बंदे को सलमान को ये जेल में डाल दे, जेल में होगा तो पिटाई नहीं होगी ना, पुलिस वाले जेल जाएंगे तो तमीज से बात करेंगे। तीसरा क्या है? कहते हैं कस्टडी, कस्टडी का मतलब है पुलिस के हवाले कर देना। अब पुलिस वाले इसमें मारते पीटते हैं, तो अब मजिस्ट्रेट की मर्जी है कि इसको घर भेज दे या जेल भेज दे या पुलिस की कस्टडी में दे दे, और कस्टडी में देगा तो दो या तीन दिन के लिए देगा, ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन फिर पुलिस आ जाती है कि भाई हमें अभी भी तफ्तीश पूरी नहीं हुई, तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, फिर दो दिन के लिए दे दे देगा। फिर पुलिस आ जाती है, तफ्तीश अभी और बाकी है, तो दो दिन के लिए और दे दे देगा। तो इस तरह करते करते 14 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकता, टोटल मिला के 14 दिन से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट नहीं दे सकता, ठीक है, याद रहे, वरना इलीगल हो जाएगा। ये कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा है, दिन है, अगर वो ड्रग्स का मंशियात का केसेस में ज़्यादा टाइम पुलिस को दे दिया जाता है, लेकिन आम जुर्म में मंशियात के अलावा या टेररिज्म के मामलों में बम बम का मसला होता है, इसमें भी टाइम मैजिस्ट्रेट रिमांड का ज़्यादा दे सकता है, लेकिन मंशियात का और टेररिज्म का मामला नहीं हो तो मैजिस्ट्रेट जो है वो दो या तीन दिन से ज़्यादा रिमांड नहीं देता, और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन से ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं, वरना पुलिस वाले मार मार के पागल कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलो, इसने रिमांड ले लिया, पुलिस वाले ने इसने रिमांड लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन की, इस बंदे से पूछा, सवाल किए, इससे बहुत सारी चीज़ें बताईं, मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी शुरू की, विटनेसेस जो थे जिन्होंने देखा था वहाँ गए, वहाँ पे पुलिस ने सवालात किए, ठीक है ना, ओके। फिर क्या हुआ, इसको प्रोसिक्यूटर जो है उसे पढ़ेगा, पढ़ने के बाद जो है वो चार्ज फ्रेम करेगा, क्या फ्रेम करेगा, चार्ज, 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 चार्ज फ्रेम करके मजिस्ट्रेट को दे देगा। मजिस्ट्रेट देखेगा ये केस मेरी नौयत का है, तो छोटा केस है तो मैजिस्ट्रेट खुद चलाएगा, और मैजिस्ट्रेट देखता है ये नहीं, ये तो बड़ा केस है, रॉबरी का केस है, तो
रॉबरी तो मजिस्ट्रेट नहीं देखता, तो ये रेफर कर देगा सेशन जज को। तो अब ये केस चला गया मजिस्ट्रेट के पास से सेशन जज। अब आएगा तो देखें, जो वकील ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने चार्ज फ्रेम किए थे, वो चार्जेस फ्रेम जो हुए थे वो चार्जेस किसके पास चले जाएंगे, चले जाएंगे सेशन कोर्ट। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो चार्जेस फ्रेम किए हैं वो मुलजिम को बता देंगे, सलमान खान तुम्हारे खिलाफ ही हमने ये चार्जेस बनाए हैं, ये तुम्हारे हमने इन्वेस्टिगेशन वगैरह की और तुम्हारे खिलाफ ये हमने रिपोर्ट बनाई है, ये चार्जेस बनाए। जो पुलिस रिपोर्ट बनाती है उसे कहते हैं चार्जशीट या चालान। जो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाता है इसे कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या चार्ज फ्रेम। ठीक है, तो चार्ज फ्रेम कौन करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है। तो ये सुन लेगा, देख लेगा, रिपोर्ट पढ़ लेगा। इसके बाद ये सलमान जो है परेशान, सब बेचारा फंस तो गया है। अब सलमान अपने वकील से मशवरा कर ले और पढ़ ले, वकील को भी तो स्टडी करनी पड़ेगी इसका केस। 7 दिन के बाद या 7 दिन के बाद से ज़्यादा, 10 दिन 15 दिन के बाद अदालत शुरू होगी, सेशन जज बैठा हुआ है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर फिर रीड करेगा सलमान के सामने कि ये इल्ज़ाम हैं, मैंने तुम्हें बता दिए थे, आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सुन लें। तो वो सुनेगा और अदालत में सब सुनेंगे कि ये इस पर क्या इल्ज़ाम लगे हैं। फिर क्या होगा, फिर ये कि इसकी पोजीशन क्या है, किसकी ये एक्यूज़ है सलमान खान। ये याद रखिएगा, एक्यूज़ जो होता है ना अदालत में फेवरेट चाइल्ड होता है, माँ गोद में बच्चे को लिए बैठी है ना, इसे अदालत जो है एक्यूज को, मुलजिम को, सलमान खान को गोद में बच्चे की तरह रखेगी। आप कहेंगे ये तो बड़ा गलत है सर, एक तो एक आदमी ने गलत काम किया, जुर्म किया और अदालत उसको फेवर कर रही है। देखें अभी सबूत नहीं मिले, अदालत साबित करेगी उसके बाद सजा देगी, जब तक साबित नहीं हो रहा उस वक्त तक ये पप्पू पप्पू प्यारा प्यारा बच्चा है अदालत का। ठीक है, याद रखिएगा अदालत इसी को फेवर करेगी। ये आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों, आपका दिल कहेगा आपका दिल नहीं मानेगा, लेकिन हकीकत ये सही है कि जब तक मुलजिम है उस वक्त तो प्यारा प्यारा है, और जब तक जब साबित हो जाएगा कि यह वाकई गलत है तो फिर ये सज़ा देगी। लेकिन जब तक साबित नहीं हो रहा तो सज़ा क्यों दें, पहले तो प्यार करेंगे इससे। ठीक है, तो जज इससे प्यार करेगा। ठीक है, सचमुच प्यार नहीं करेगा, मतलब इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा। ठीक है, क्या किया था, एग्जामिनेशन इन चीफ किया था पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने। ठीक है, तो एग्जामिनेशन इन चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है, जिसने FIR कटवाई होती है उससे, और क्रॉस करता है डिफेंस वकील यानी सलमान खान का वकील, उसने जिसने FIR कटवाई उससे। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो गवाहों से भी सवाल करता है, डिफेंस काउंसिल भी क्रॉस एग्जामिन करता है गवाहों का, ये सब सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, अभी तक सलमान खान की बारी नहीं आई, सलमान खान सिर्फ सुन रहा है सब चीज़ें। अब क्या होता है, जज देखता है दलीलों से, बातों से कि किसका पल्ला भारी है। अगर वो देखता है कि जो इल्ज़ाम लगाने वाला साबित नहीं कर पा रहा, गवाह साबित नहीं कर पा रहे, तो सलमान खान से कुछ नहीं पूछेगा, क्यों शाहरुख खान जिसने FIR कटवाई है वो साबित ही नहीं कर पा रहा, गवाह भी साबित नहीं कर पा रहे, तो सलमान खान को बगैर पूछे, क्योंकि सलमान खान तो प्यारा प्यारा बच्चा है। तो जज क्या कहेगा, उसे कहेगा आपको घर जाएं, डिसमिस केस ख़त्म। सलमान खान सजदे में गिर जाएगा, मामला ख़त्म हो गया, केस ख़त्म हो गया। अब अगर शाहरुख खान को तकलीफ है तो अब वो अपील लगा दे हाई कोर्ट के अंदर कि भाई ये जो जज है इसका फैसला गलत है और मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा। तो अपील करने का हक है, शाहरुख खान जाए अपील कर दे हाई कोर्ट में। इस जज ने तो सलमान खान को बाइज्जत बरी कर दिया। अब सवाल है कि सलमान खान से सवाल क्यों नहीं पूछे, भाई जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो साबित ही नहीं कर पा रहा, तो उससे क्यों पूछें। आपके पास कोई आदमी आए, आप सपोज करें घर में अब्बू हैं, आपके पास बड़ा बेटा आता है, कहता है अब्बू छोटे भाई ने जो है वो सिगरेट पी,
अब वो सवाल करते हैं कब पी, कहाँ पी, किस वक्त पी, अब बड़े भाई साहब बता ही नहीं पा रहे। तो अब्बू छोटे भाई को थोड़ी बुलाएंगे, अब्बू कहेंगे तुम बड़े भाई से तुम झूठे हो, भागो यहाँ से। जो इल्ज़ाम लगाता है पहले उससे सवाल किए जाते हैं, उससे गवाह मांगे जाते हैं, फिर गवाहों से सवाल किया जाता है। अगर वो लोग नहीं साबित कर पाते तो जिस पर इल्ज़ाम लगा है वो बच जाता है, जैसे कि इस केस में आपने देखा। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम दूसरा केस देखें, शाहरुख खान एफआईआर कटवाने आया और पुलिस ने एफआईआर काटने से मना कर दिया, कहा नहीं हम नहीं काट रहे सलमान खान के खिलाफ एफआईआर। पुलिस वालों की आदत होती है कि रिश्वत लेके एफआईआर काटते हैं, या कोई पुलिस वाला ही देखता है कि भाई केस बकवास है नहीं काटता। तो फिर क्या होगा, शाहरुख खान कहाँ जाएगा, जस्टिस ऑफ पीस के पास, और वहां जाके कहेगा, एप्लीकेशन देगा कि भाई जस्टिस ऑफ पीस पुलिस से कहो कि ना एफआईआर काटे। जस्टिस ऑफ पीस चेक करेगा कि अगर वाकई ये इल्ज़ाम सच्चा है और शाहरुख खान सच बोल रहा है तो वो पुलिस वाले से कहेगा एफआईआर काटो, तो पुलिस फिर काटेगी। जस्टिस ऑफ पीस बड़ा ओहदा होता है, पुलिस वाला इसको मना नहीं कर सकता। शाहरुख खान को तो मना कर सकता है, लेकिन पुलिस को, जस्टिस ऑफ पीस को मना नहीं। जस्टिस ऑफ पीस पूरा केस पढ़ेगा, समझेगा, और फिर पढ़ने लिखने के बाद फिर वो डायरेक्शन देगा पुलिस वाले को, और पुलिस वाला क्या करेगा, एफआईआर लिख लेगा, फिर सोचेगा कि अरेस्ट करना है नहीं करना है, वही बात शुरू हो गई। फिर वो पुलिस को उसको ट्रेस करने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद अरेस्ट कर लेने के बाद वही रिमांड मांगेगा। रिमांड मांगने की अगर मिल जाए, पहले इससे सवाल किए सलमान खान, आवाम से जो विटनेसेस हैं उनसे सवाल जवाब किए, क्या चालान बनाया पुलिस वाले ने, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर से जिसके पास आया, क्या नाम है इसके, मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट ने देखा ये रॉबरी का केस है, ये मेरे लेवल का नहीं है, उसने केस आगे सेशन जज को भेज दिया, सेशन चला गया, चार्जेस फ्रेम किए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर चार्जेस फ्रेम करता है, यानी पुलिस की रिपोर्ट को देखते हुए वो देखता है कि मुलजिम के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगते हैं, खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा, फिर वो चार्ज फ्रेम करेगा। करने के बाद वो बता देगा एक्यूज को कि तुम पर ये चार्जेस मैं बना रहा हूँ, तुम इसको पढ़ लो, समझ लो, अपने लिए वकील कर लो। फिर क्या होगा, 7 दिन के बाद जब हो जाएंगे या 7 से ज़्यादा दिन गुजर जाएंगे, इसी 7 दिन के अंदर वो मुलजिम जो है सलमान खान अपना वकील ले आएगा। क्या होगा, 7 दिन के बाद ये अदालत में पेश होगा, यह मैं बता चुका हूँ आपको, अदालत में पेश होगा। अदालत में इससे क्या नाम है, सवाल कुछ नहीं पूछा जाएगा, बल्कि ये लव फेवरेट चाइल्ड है अदालत का, एक्यूज है अभी जो साबित नहीं हुआ है। एग्जामिनेशन चीफ होगा जिसने, शाहरुख खान का होगा, सलमान खान का नहीं होगा, एग्जाम तो उसने लगाया है। फिर क्या हुआ, डिफेंस काउंसिल भी इसी से सवाल करेगा, इसे क्रॉस एग्जामिन कहते हैं, शाहरुख खान से ही सवाल होंगे, और फिर पब्लिक से विटनेसेस जो हैं, जो गवाह हैं उनसे सवाल होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफेंस काउंसिल भी सवाल करेगा, जो भी होगा। और अगर ये साबित तो क्या होगा, मैजिस्ट्रेट जो है वो उसको बाइज्जत बरी कर देगा, सलमान खान से कोई सवाल नहीं होगा। तो ये दोनों केसेस मैंने आपको पढ़ाए, अब वो केसेस पढ़ाएंगे जिसमें सलमान खान मुजरिम साबित हो जाता है, तो या वो चीज़ें हम अभी नहीं बता रहे, अभी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो देंगे, क्योंकि आप लोग लॉ के अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहते आपको, ठीक है, थैंक यू।